नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियों के सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। बच्चों, ये क्लास अंत तक पूरी देखिएगा, आपको ये सभी सवाल जरूर समझ में आएंगे। अगर आप हमारी ये सीरीज लगातार देख रहे हो, रेगुलर हमारी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको सभी सवाल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आप रेगुलर इन सवालों को हल करते रहिए और समझते रहिए। आप बोर्ड परीक्षा 2024 में 100 में से 100 नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां पर एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें ये सारणी में जो खाली स्थान दे रखे हैं उनको भरना है, ठीक है। अब इसमें ए मतलब पहला पद है, डी का मतलब सार्वंतर है, एन का मतलब पदों की संख्या है और ए एन का मतलब है अंतिम पद, ठीक है। तो ये देखो जैसे इसमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन ज्ञात करना है। तो बेटा यहाँ पर देखो, ए है, डी है, एन है और ए एन है, ये चारों के चारों एनवा पद ज्ञात करने के सूत्र में आते हैं, जो मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है। तो एनवा पद का सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे, सभी जो 5 सवाल दे रखे इसमें सब में, तो आपका जो उत्तर है वो बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखो सबसे पहला नंबर 1, देखो पहले तो क्या क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 7, डी बराबर दे रखा है 3 और एन बराबर दे रखा है 8 और ए एन हमें करना है 11। तो देखो यहाँ पर सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, एन वापद ज्ञात करने का सूत्र है ये। अब ए एन तो हमें करना है ज्ञात, तो ये ए एन बराबर ए मतलब पहला पद 7 प्लस एन पदों की संख्या है 8 माइनस एक और डी कितना है आपके 3। हल करो, ए एन बराबर 7 प्लस, देखो 8 में से 1 गया तो 7 इंटू 3। हमेशा ध्यान रखना, पहले गुणा होगा और बाद में जोड़ होगा, गलती से भी पहले जोड़ मत करना। तो 7 का तो 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 हो गए आपके 28। तो सबसे पहले यहाँ रिक्त स्थान में आएगा कितना, 28। आगे समझ में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखो, दिक्कत तो वैसे आपको मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि दिक्कत आपको नहीं होगी, आप पूरा जो क्लास है वो अच्छी तरह से देखें। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइज करके देखा करो। अब देखो, दूसरे में ए दे रखा है माइनस का अट्ठारह, फिर डी हमें ज्ञात करना है, एन दे रखा है दस और ए एन दे रखा है 0। ए एन कितना दे रखा है 0 और ज्ञात क्या करना है, डी ज्ञात करना है, डी बोले तो सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। वही एनवे पद का सूत्र लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ये 4 है, इन 4 में से 3 दे रखी होगी, चौथी आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, तो यही सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। मान भरो, एन का मान 0, ए का मान माइनस का 18 प्लस एन का मान 10 माइनस एक और डी हमें करना है ज्ञात। अब देखो, डी ज्ञात करना है तो 18 का इधर पक्षांतरण कर लो, माइनस का है तो इधर आते हो जाएगा प्लस का, ये 18 बराबर 10 में से गया तो 9 इंटू डी। अब देखो यहाँ डी का मान ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो डी का मान आएगा 18 बटा 9 और 9 का भाग 18 में जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो बताओ यहाँ पर जो डी का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखो तीसरे में पहले लिख लो क्या क्या दे रखा है, ठीक है। ए ज्ञात करना है, डी दे रखा है माइनस तीन, एन दे रखा है 18, एन है आपके 18 और ए एन दे रखा है -5, ए एन है -5 और ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है, ठीक है। लगाओ एनवे पद का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। प्रत्येक सवाल में आप सूत्र लिखे, सवालों को हल करें, आप ऑटोमेटिक सूत्र याद कर लोगे, आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है गणित में। आप सवाल करो और सवाल में सूत्र का प्रयोग करो बार बार, आपको सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
अब देखो ए एन, बताओ ए एन कितना है, माइनस का 5 बराबर ए हमें करना है ज्ञात, प्लस एन कितना है 18 माइनस 1 और डी का मान है माइनस का 3। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब ए ज्ञात करना है, पहले हल करो, माइनस का 5 बराबर ए तो है ही सही, प्लस 18 में से एक गया तो बच गया भाई 17, कितना बच गया 17 इंटू माइनस का 3। माइनस 5 तो है ही सही ए, अब देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 70 हो गया 51। ठीक है, अब मान ए का ज्ञात करना है तो 51 का क्या कर लेंगे पक्षांतरण, माइनस का है तो प्लस का, तो माइनस का 5 और प्लस का 51 बराबर ए। अब 51 में से 5 घटाओ तो ये बचेगा आपके 46, तो ए का मान कितना आएगा भाई 46 आ जाएगा, तो यहाँ इस रिक्त स्थान में आएगा आपके 46। आगे समझ में। अब देखो नंबर 4, प्रत्येक सवाल बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान लगाते हो तो। अब देखो इसमें ए दे रखा है -18.9, ए माइनस के 18.9, और फिर डी दे रखा है 2.5, डी दे रखा है 2.5, और एन ज्ञात करना है और ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 3.6 और एन ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या क्या करनी है ज्ञात। वही सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मतलब कितना है 3.6, ए है माइनस का 18.9। ठीक है, ए एन कितना है भाई आपके 3.6 और ए है माइनस का 18.9, प्लस एन ज्ञात करना है माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है भाई ये है 2.5 हो गया। अब देखो बेटा एन ज्ञात करना है तो क्या करो, माइनस 18.9 का भी पक्षांतरण करो, 2.5 का भी पक्षांतरण करो और 1 को भी इधर ले आओ, सबका इधर पक्षांतरण कर लो। पहले देखो ये माइनस का है तो प्लस का, तो 3.6 प्लस 18.9 और ये 2.5 गुणा में तो भाग में, गुणा में तो कायम आ जाएगा भाग में। अभी n का भी करेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, n माइनस 1 n a का भी पक्षांतरण करेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे। पहले देखो ऊपर हल करो, जोड़ो इनको, 6 और 9 15, हासिल का 1, 1 और 8 9 और 3 12, हासिल का 1 और 1 2 और पीछे से पॉइंट लग जाएगा भाई, और बटे में है 2.5 बराबर एन माइनस 1। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 25 का भाग दोगे ना 225 में, तो 25 नाम के 225 नौ बार जाएगा भाई, और अब एक का भी पक्षांतरण कर लेंगे तो एन बराबर आएगा, देखो नौ तो है ही सही है, एक माइनस का था इधर आते हो जाएगा प्लस का, तो एन का मान कितने आ गए 10, कितने पदे भाई समांतर श्रेणी में 10 पदे, समझ में आ गया। अब देखो लास्ट पांचवा, देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है 3.5, ठीक है ए 3.5, और डी कितना दे रखा है 0, डी दे रखा है 0 और एन पदों की संख्या 105, एन है 105 और क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है भाई। अब देखो सिंपल ही है, डी 0 दे रखा है तो कोई सा भी पद ज्ञात करो, ये एन है ठीक है ना, कोई सा भी पद ज्ञात करो वही आएगा जो पहला पद है, जैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन तो ज्ञात करना है, ए ए है 3.5 प्लस एन 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0। अब देखो 3.5 प्लस ये हो गया आपके 104 इंटू 0, 3.5 प्लस 104 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और ये आएगा 3.5। ठीक है आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इनको भरना चाहो तो इनको भर देना। देखो चौथे में कितना आया था भाई, यह आया था 10 और यहाँ आया 3.5। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उतारो पहले आप आगे के सवाल करते हैं। अब देखो भाई सवाल नंबर 2 ध्यान से देखना, बड़ी आसानी से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। देखो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, औसत का औचित्य दीजिए, आपको अभ्यास दे रखे हैं
सही उत्तर चुनना है और औचित्य मतलब इसको हल करके आपको उत्तर को चयन करना है। तो अब असद आएंगे तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में, थोड़ा ध्यान लगाओ भाई। पहला देखो, एपी 10.7.4 .. का 30वां पद है, मतलब ये जो एपी दे रखी है इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखो मैंने शॉर्ट सूत्र बता सिखाए थे आपको पिछली प्रश्नावली में भी और बेसिक में भी। अगर आपको 30वां पद ज्ञात करना है तो बताओ सूत्र क्या होता है, ए प्लस गुणतीस डी। आपको जो भी पद ज्ञात करना है उसे ए कम करके डी लिखना है, तो ये शॉर्ट सूत्र हो जाता है 30वें पद का, ए प्लस गुणतीस डी। जैसे यहां पर 11वां पद ज्ञात करना है तो बताओ 11 a 11, तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 10 b, a कम करके लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर a का मतलब पहला पद, तो देखो सबसे पहले कितना है 10 प्लस 29 इंटू डी, डी का मतलब सारवंतर होता है, और सारवंतर हम कैसे निकालते हैं, लगातार दो पद लेंगे, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाएंगे, यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे। तो बताओ 10 में से 7 गया तो बच गया माइनस का 3, ठीक है। तो डी का आ गया माइनस का कितना 3, पहले करेंगे गुणा बाद में करेंगे जोड़, माइनस 10 तो है इसे प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 29 दिया होता है बेटा 87। अब देखो 87 में से 10 घटाओगे तो बचेंगे माइनस का 77, तो बताओ उत्तर कितना आएगा, माइनस का 77, सी वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, एपी -3, -1/2, 2, .. का 11वां पद ज्ञात करो, 11वें पद का सूत्र होता है a प्लस 10d। अब देखो a मतलब पहला पद तो ये रहा माइनस का 3 प्लस 10 इंटू डी निकालना पड़ेगा। अब लगातार दो पद लेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, ये दोनों ले लेते हैं, तो ये दोनों लेंगे तो d ज्ञात कैसे ज्ञात करोगे, माइनस 1/2 में से घटाओगे, बताओ कितना घटाओगे, माइनस का 3, ठीक है। अब देखो माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, हल करो 2 + 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है, पाँच प्लस का आएगा ना, देखो 2 + 6 प्लस के तो 5 भी आएगा प्लस का, और बटे में 2, तो बताओ अंतर कितना आ गया, 5/2 का अंतर आ गया, तो यहाँ आएगा 5/2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, माइनस का 3 प्लस 5 = 25, 25 में से 3 घटाओगे तो आएगा कितना 22, ठीक है। तो बताओ बी वाला ऑप्शन इसमें आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले आप, आगे के और सवाल हल करेंगे। अब देखो भाई सवाल नंबर 3, बेटा यहां पर क्या लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को भरिए, या आपको जो खाली बॉक्स दे रखे हैं समांतर श्रेणियों में इनको भरना है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान लगाना, 100% आपको समझ में आएगा, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए, 3 बार प्रयास, बार बार करिए, प्रयास करने से ही सब चीज़ हासिल हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, 2 फिर खाली डिब्बा और फिर 26 दे रखा है, तो आपको इस खाली डिब्बे में भरना है किसका उत्तर कितना आएगा। तो देखो ये तो है पहला पद, या लिखो ए या लिखो ए वन, ये लिखो ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, ठीक है। अब देखो पहला पद तो दे रखा है 2 और तीसरा पद दे रखा है 26, ये दे रखा है, और दूसरा पद ज्ञात करना है। अब बताओ दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, पहले पद में डी जोड़ते हैं, सारवंतर जोड़ते हैं, तभी दूसरा पद आता है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ तीसरा पद कैसे लिखा जाएगा, तीसरे पद का सूत्र क्या बनेगा, ए प्लस 2d, ए कम करके लेते हैं बराबर कितना 26। अब ए तो है 2 + 2d = 26, डी का मान ज्ञात करना है तो 2 को उधर भेज दो, तो 2d = 26 - 2, तो 2d = 26 में से 2 गए तो 24। अब मान डी का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो ये 2 भाग में जाएगा भाई, 2 से कटेगा तो डी का मान आएगा 12, आ गया डी का मान 12। अब देखो दूसरा पद, अब बताओ दूसरे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी, ए कम करके लिखना है, जैसे यहाँ ए तीसरा का a प्लस 2d, तो दूसरे का 1 + 1d। अब a कितना है 2 + d कितना आया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो यहाँ आएगा आपके कितना 14 आएगा।
अगर बेटा बोर्ड परीक्षा में आता है ये, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, जैसे अगर अगले बगल में पद हो और बीच का ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़ के दो का भाग दे दो, मतलब दो में 26 जोड़ा और दो का भाग दिया, 26 और दो गया 28 बटा दो, और दो से कटेगा 14 बार, तो देखो 14 आएगा। आ गया समझ में? लेकिन ये तभी लगा सकते हो जब आपके ये इधर और इधर बीच में खाली हो, ठीक है ना। जैसे सवाल नंबर दो, अब देखो यहां पर भी आप चाहो तो डायरेक्ट करो, 13 और 3 के बीच में है तो 13 और 3 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। अब देखो 3 में 5 जोड़ने पर 8, फिर 8 में 5 जोड़ने पर 13, और फिर 13 में 5 जोड़ने पर कितना आएगा, 18 आएगा। भर गया ना डायरेक्ट? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको परीक्षा में विस्तार से देखो, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक तो पहला पद ज्ञात करना है और एक तीसरा पद ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए एक दूसरा पद दे रखा है, बताओ दूसरे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी, ये होता है दूसरे पद का सूत्र, जो कितना दे रखा है 13, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां पर चौथा पद दे रखा है, तो बताओ चौथे पद को a प्लस 3d बराबर कितना 3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समझ रहे हो बात को? देखो यहां पर आपको क्या दे रखा था, दूसरा पद, तो दूसरे को a प्लस डी कितना है 13, चौथा पद a प्लस 3d कितना है 3। अब देखो ये बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो बेटा यहां पर हम लगा देंगे विलोपन विधि, जो हम प्रश्नावली 3 में करके आए हैं। विलोपन विधि जानते हो ना, किसी एक राशि को समान करते हैं। तो देखो ये a समान है, यहां भी प्लस का है, यहां भी प्लस का है, तो समीकरण एक में से दो को घटाने पर, अगर चिन्ह समान हो तो घटाना है और असमान हो तो जोड़ना है। और जब हम बीज गणित में बाकी करते हैं तो नीचे की संख्याएं बदल जाती है चिन्ह, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। ए प्लस का, ए माइनस का कट गया। अब 3d तो है माइनस का, 1d है प्लस का, 3 में से 1 गया तो बच गया माइनस का 2d, और देखो 10 में से 3 गया, 13 में से 3 गया तो 10, मान किसका चाहिए डी का, गुणा है तो भाग में, तो डी का मान आएगा 10 बटा माइनस 2, 2 से काटोगे तो माइनस का 5। आगे समझ में? अब डी का मान तो आ गया, अब ए का मान भी निकालना है, तो ये जो डी का मान है उसे समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो बताओ डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये करते थे विलोपन विधि में, ए के रहा ए का, तो ए प्लस डी का मान माइनस का 5 बराबर है 13। अब ए का मान ज्ञात करना है तो 5 को उधर भेज दो, 5 यहां माइनस का है तो इधर जाते प्लस का, तो ए का मान आ गया 13 प्लस 5, 13 और 5 हो गया भाई 18 आ गया। तो देखो ये 18 आ गया। अब तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद का सूत्र आप भली भांति परिचित हो, बताओ बेटा तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d। तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d। अब देखो यहां पर a तो कितना आया 18, प्लस है तो प्लस 2 इंटू डी, डी का मान माइनस का 5, 18 तो है ही सही, 5 × 10 प्लस माइनस माइनस, और 10 में 18 में से तो कितना बच गया भाई 8 बच गया, तो ये देखो ये आ गया कितना 8, है ना, बहुत ही सिंपल। कोई डाउट हो तो कमेंट करें बताएं आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है आपके 3 नंबर, इसमें देखो ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। हमें दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है, इसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि देखो बीच में दो पद छूट रहे हैं ना, तो उसके लिए कोई और जुगाड़ है, लेकिन अभी ये नहीं कर सकते। अब देखो एक तो पहला पद दे रखा है और एक चौथा पद दे रखा है, ठीक है। तो बताओ चौथे पद को कैसे लिखा जाएगा, a4 a+3d लिखा जाएगा, जो कितना दे रखा है 9 सही 1/2। इसको सही करो मिश्र बिन में, को साधारण बिन में बदलो, तो 2 9 18 और 1 हो गया 19/2, 2 9 18 और 1 19/2 कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो यहां पर a पहला पद कितना है 5 प्लस का 3d बराबर 19/2, ठीक है। अब d का मान निकालेंगे यहां से, तो 5 का उधर पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस का, तो 3d बराबर 19/2 माइनस 5। हल करो इसको, 5 × 10 5 × 10 19 में से 10 गया तो 9/2, समझ रहे हो, 5 × 10 19 में से 10 गया तो 9/2। अब देखो d का मान ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा 9/2 और भाग में 3 आ जाएगा, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार/2, तो d का मान कितना आ गया 3/2 आ गया।
अब देखो दूसरा पद ज्ञात करना है, बताओ दूसरे पद का सूत्र ए प्लस डी ये होता है। अब हल करो, ए कितना है 5 प्लस डी कितना आया 3/2। हल करो तो ये आ गया कितना, 5 × 2 = 10, 10 और ये हो गया 3/13/2, यहाँ आएगा 13/2। या फिर आप इसको मिश्र भिन्न में बदल लो, कैसे देखो ध्यान लगाओ, 6 × 12, 6 एक शेष बच गया और बटे में 2, तो 6 सही 1/2 आ जाएगा। अब देखो तीसरा पद, बताओ तीसरे का सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d, ये होता है a कितना है 5 प्लस 2 × d का मान कितना आया भाई, d का मान आया 3/2, 2 से 2 कट गया भाई, 5 और 3 हो गए कितने 8, तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 6 सही 1/2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 4, 4 में देखो पहला पद दे रखा है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है, छठा पद दे रखा है, सेम टू सेम अभी जो किया था। अब देखो ए तो दे रखा है, अब बताओ छठा पद बताओ कैसे लिखोगे, ए प्लस 5d बराबर है 6, ऐसे लिखेंगे, ए कितना है माइनस का 4 प्लस 5 और डी ज्ञात करेंगे बराबर में 6, डी ज्ञात करना है तो 4 को उधर भेज दो, माइनस का है तो प्लस का, तो 5d बराबर आएगा 6 + 4, 5d बराबर हो गया भाई 10, गुणा है तो भाग में, और 5 का भाग दोगे तो आएगा 2, तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया भाई। अब देखो दूसरा पद बताओ, दूसरे पद का सूत्र होता है a प्लस डी, ये होता है। अब देखो a तो है माइनस का 4 और d है 2 है ना, अब देखो ये आ गया माइनस का 2, 4 में से 2 गए 2 आएंगे माइनस के। अब देखो तीसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 2d बनेगा, a तो कितना है माइनस का 4 प्लस 2 × d का मान भी 2, 2 × 4, 4 में से 4 गया तो 0, तो यहाँ तो माइनस 2 यहाँ 0। अब चौथे पद का सूत्र होता है a प्लस 3d, ए तो है माइनस का 4 प्लस 3 × d का मान आया माइनस ए प्लस का 2, 3 × 2 = 6 हो गया, 6 में से 4 गया तो आ गया 2, तो यहाँ आएगा भाई 2। ए 5 पांचवा, ए प्लस 4d सूत्र ये बनेगा। अब बताओ ए तो है माइनस का 4 प्लस 4 × d का मान है 2, 4 × 2 = 8, 8 में से 4 गए तो 4 बच गए भाई, ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो बड़ा आसान है, कोई सा भी सवाल आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ा तरीका याद होना चाहिए और प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप कोई सा भी सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो बेटा सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल है, ये तो है पहला पद, ये है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवा, ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरा पद और सातवा पद दे रखा है और हमें पहला ज्ञात करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा सारे ज्ञात करने हैं भाई, तो बिल्कुल आसान है। दूसरा पद दे रखा है तो बताओ दूसरे पद को कैसे लिखा जाएगा, a प्लस डी लिखा जाएगा जो कितना है 38, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो सातवां पद दे रखा है तो सातवें पद को लिखेंगे a प्लस 6d, लिखना तो जान ही गए होंगे आप लोग अब, और वो दे रखा है माइनस का 22, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो ये बन गए आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो यहाँ विलोपन विधि लगाएंगे, विलोपन विधि में देखो ये वाला समान है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, समान चिन्ह हो तो घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ए से ए कट गया भाई। अब देखो 6d तो है माइनस का, 1d है प्लस का, 6d में से 1d गया तो बच गया माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ देखो 38 में 22 जोड़ेंगे भाई, तो ये हो गया आपके 60, 38 में 22 जोड़ते हो गया कितना 60, मान d का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा 60/-5, 12×5 = 60 होते हैं, तो d का मान आएगा माइनस का 12 आ गया d का मान। अब d तो आ गया लेकिन a भी ज्ञात करना है, तो d का मान या तो 1 में रखो या 2 में रखो, तो क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे भाई ये रहा 1,
एका तो a प्लस d की जगह आएगा माइनस का 12 और बराबर में 38। ठीक है, मान a का ज्ञात करना है तो 12 का उधर पक्षांतरण, माइनस का है तो काय में जाएगा, प्लस में। तो a का मान आएगा 38 प्लस 12, तो a का मान आ गया भाई 50। 38 में 12 जोड़ेंगे तो 50, तो यहाँ 50 आएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा पद ज्ञात करना है तो बताओ a3 का सूत्र, a प्लस 2d, a का मान 50 प्लस 2 इंटू d का मान आया माइनस का 12। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बार दुनी 24, 50 में से 24 घटाओगे तो बचेंगे भाई 26, तो यहां आएगा कितना 26। ठीक है, फिर चौथा भी ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है, a प्लस 3d, a का मान आया 50, 2 इंटू डी तीन इंटू डी का मान आया 12। हल करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बार तीन 36, 50 में से 36 घटाओगे तो बचेंगे आपके 14। ठीक है, फिर पांचवा भी ज्ञात करना है, सूत्र क्या है, a प्लस 4d, a कम करके लिखते जाओ, ए का तो 50 है ही सही, प्लस 4 इंटू डी का मान 12 है ही सही, बार चौक हो गया 48, प्लस माइनस माइनस, 50 में से 48 घटाओगे तो आएगा 2। ठीक है, अब छठा भी ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है, a प्लस 5d, a तो वही 50 है, प्लस है तो प्लस, और 5d का मान वही माइनस के 12 है भाई, प्लस माइनस माइनस, 12 × 5 = 60, 60 में से 50 गए तो बच गए भाई माइनस के 10, तो यहाँ आएगा माइनस का। देखो बेटा पांचवे सवाल में गलती से डिब्बा ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, है ना, तो आप तरीका वही लगाना, सेम टू सेम उसी हिसाब से करना, एक डिब्बा कम कर लेना, तो ये जो सात और पद है वो छठा पद हो जाएगा, छठा पद है, मैंने गलती से एक डिब्बा ज्यादा ले लिया, इसको थोड़ा सा सही करके आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है ना। अगर इस टाइप से आता है ये सवाल तो बिल्कुल सही है, ठीक है, और अगर ये छठा पद हो जाता है, इसकी जगह ये छठा पद हो जाता है, तो यहाँ पर आपके a6 आएगा और यहाँ पर 5d आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा और ये 4 का भाग दोगे तो 7 अंतर आपके 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, अब 15 को उधर भेजोगे तो प्लस का 15 जाएगा, तो ये 53 हो जाएगा, पहला पद 53 आएगा, ठीक है ना, पहला पद कितना आएगा 53। अब आगे देखो यहाँ पर 53 आएगा प्रत्येक जगह, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज करना है और ये क्या है गलती से क्या होगा, अब 53 को 3 कम कर लो भाई, 3 क्या कम कर लो, ज़्यादा कर लो, 12 24 तो ये आ गया कितना आपके 29 आएगा ना, 12 × 24 29, इसमें आएगा आपके 17, यहाँ आएगा आपके 5 और यहाँ आएगा आपके 3, ठीक है, 7 और 60 और ये होगा 12 × 48, तो 53 में से 48 गए को 12 × 48 5 ही बचेगा और ये होगा 12 × 36, तो 53 में से 36 घटाएंगे ना, 13 में से 6 गए तो बच गया आपके 7 और यहाँ बच गया आपके 1, सही है, सही कर लेना भाई, इसको करेक्शन करना है इसमें, ठीक है ना।